उन्होंने, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में बहुत बड़ा सहायता किया है। अनेक प्रकार के कठिन क्षेत्रों में एनआईए ने विगत 7 सालों में बहुत अच्छा काम किया। मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ना एक बात है, आतंकियों से लड़ना एक बात है, मगर आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देना दूसरी बात है। और वो अगर उखाड़ कर फेंकना है तो टेरर फंडिंग की उनकी सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना पड़ेगा। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 और 19 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के जो मामले रजिस्टर किए, उन्होंने, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में बहुत बड़ा सहायता किया है। टेरर फंडिंग पर आज तक हमारी एजेंसियों ने उनके अलग अलग तरीकों पर, निर्दोष दिखते तरीकों पर कभी भी आघात नहीं किया था। पहली बार 18 और 19 में एनआईए ने जो केस रजिस्टर किए, इसके कारण आज उनको पैसा मुहैया कराने वाले सरल रास्ते नहीं बचे। हो सकता है कि किसी भी दूषण को समाप्त न कर पाए, मगर उसके रास्ते में दखल तो दे ही सकते हैं, उनका रास्ता दुष्कर तो बना ही सकते हैं। और ये काम एनआईए ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर जो होते थे, उसके अभी 2021-22 में ढेर सारे केस एनआईए ने रजिस्टर किए हैं और उनके स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे उनके लॉजिस्टिक्स और हथियारों के सप्लाई दोनों पर एक कठोर आघात हुआ है। और जो आतंकवाद की मदद भी करते थे और समाज में सम्मान के साथ जीते थे, ऐसे सभी लोगों को आज अपनी पहचान एक्सपोज करने के लिए एनआईए ने मजबूर किया है और उनको कानून की अदालत में ले जाकर खड़ा किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। वामपंथी उग्रवाद में भी, बारूद और रसद मुहैया कराने में भी एनआईए ने शुरुआत की है। और विशेषकर टेरर फंडिंग के साथ साथ वामपंथी उग्रवादी संगठनों के भी फंडिंग को इसके मूल तक पहुंचने के कुछ केस एनआईए को दिए गए। मुझे आशा है कि जम्मू कश्मीर की तरह इसमें भी बड़ी सफलता मिलेगी। मित्रों, मेरा आग्रह है कि देश की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन हो। अब इन्वेस्टिगेशन थर्ड डिग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तकनीक की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन डेटा की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए। थर्ड डिग्री का अब जमाना नहीं है, करना भी ठीक नहीं, मगर ये परिवर्तन लाना है तो डेटा बेस बनाने पड़ेंगे और डिजिटल फोरेंसिक के साथ भी दक्षता हासिल करनी पड़ेगी। एनआईए को एक हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें मादक पदार्थ, हवाला ट्रांजैक्शन, हथियारों की तस्करी, जाली मुद्राएं, बम धमाके, टेरर फंडिंग और टेररिज्म, इतने 7 क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का काम दिया गया है। इसकी शुरुआत भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। अगर ये राष्ट्रीय डेटाबेस बनता है और देश भर की इस सारे 7 स्तंभों में इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसियों के साथ वो राष्ट्रीय डेटाबेस को अगर हम साझा करते हैं और उनके बाद पास में ही भी उनके राज्यों की सारी इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में ऐड करते हैं, तो मुझे लगता है कि क्षेत्र के अंदर न केवल राष्ट्रीय एजेंसियां, देश भर की पुलिस की एजेंसियों को भी काफी मदद मिलेगी।